तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग एटीएम के पास आ चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा पैसा निकल। हेलो दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं एटीएम, और एटीएम मुझे यहाँ से जाने के लिए कम से कम 5-6 मिनट लगेगा, है ना। दो दिन पहले आए तो सिर्फ मतलब 5-6 महीना पहले हम वो एटीएम में पैसा ही नहीं निकाले थे। तो अभी 2-3 दिन बाद दिया गया निकालने के लिए, तो एटीएम से पैसा ही नहीं निकल रहा था, फेल्ड वीडियो विड्रॉ ही नहीं हो रहा था, उसमें से हमारा पैसा ही नहीं निकल रहा था। अभी हम उसका फिर से बाद में पासवर्ड चेंज किया, और अभी फिर से कस्टमर केयर भी बात किए। तो अभी हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि कैश का अभी मुझे ज़रूरत है नहीं। ऐसे तो हमारा फ़ोनपे वगैरह सभी कुछ चलता है, और कहीं बताएंगे अभी हम पहले एटीएम। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग एटीएम के पास आ चुके हैं। तो ये रहा हमारा एटीएम, अभी इसका अंदर जाएंगे। और 10 दिन पहले हम पैसा निकाल रहे थे तो नहीं निकल रहा था। तो देख सकते हैं ये SBI का एटीएम है, और हमारा जो अकाउंट है ना, ये हमारा HDFC का है। और अभी इसमें हम डालते हैं, प्रॉब्लम हो गया था इसका पासवर्ड चेंज किया, और एक बार उसमें से बात कर लीजिएगा आप कस्टमर केयर। तो दोस्तों अभी हम निकालने के बाद आपको बताएंगे ये हमारा पूरा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, कितने निकालेंगे सभी चीज़ पर। तो दोस्तों फाइनली हमारा पैसा निकल गया, और हम 500 निकाल रहे थे, और हमारा मैसेज भी आ चुका है, और हम ATM निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहले जो ट्राई कर रहे थे, तो 5-6 महीने से पहले जो रखा हुआ था, और हम पासवर्ड अभी चेंज किए, तो हमारा पैसा निकल चुका है, ये हम 500 रुपये निकाले। तो दोस्तों कस्टमर केयर भी हम बात किए कि वो बोला नहीं तुम्हारा अकाउंट में कुछ भी कार्ड में प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों और क्या ही बताएंगे, अभी हमारा पैसा भी निकल गया, सभी कुछ हो गया, तो देख सकते हैं। और ये हमारा कोई पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आया, बट हमारा अकाउंट में था और वही हम पैसा निकालें। क्या ही बताएंगे दोस्तों, फिर मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय, जय हिंद।